enjoy tomorrow. नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आपने अभी जो तस्वीरें और वीडियो क्लिपिंग्स देखी उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज भी चर्चा असम के सिलचर स्थित डोलू चाय बागान और उसकी जमीन के अधिग्रहण और अधिग्रहण के खिलाफ मजदूरों के आंदोलन के बारे में होगी। अब आप जानते हैं डोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया गया है सिलचर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए और 70 हेक्टेयर जमीन का और अधिग्रहण किया जाना है, लेकिन असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले मजदूर भी लामबंद हो गए हैं और 70 हेक्टेयर नई जमीन का अधिग्रहण तो दूर। उन्होंने मांग उठाई है कि जिस 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसे भी मजदूरों को वापस लौटाया जाए और वो कोऑपरेटिव के जरिए वहाँ चाय की खेती करेंगे। वहाँ आप जानते हैं पौधे लाखों उजाड़ दिए गए थे, तो बीच में 9 से 11 नवंबर तक मजदूरी श्रमिक यूनियन जो है मुख्य संगठन जो मजदूरों को लामबंद कर आंदोलन कर रही है, उसने एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। 10 को डोलू बंद होना था, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन के दबाव के कारण उसे स्थगित करना पड़ा। धारित्री शर्मा जो महासचिव हैं यूनियन के कछार जिला के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में, तो वो आंदोलन तब स्थगित हो गया था। लेकिन अब इस हफ्ते जो महिला मजदूर हैं उन्होंने जो छायादार पेड़ है चाय बागान में उनको सिंदूर लगाया, तेल लगाया और अपना देवता बनाकर उसको पूजा और शपथ ली कि उसे कटने नहीं देंगे, किसी भी हालत में उजड़ने नहीं देंगे और एक बार फिर अधिग्रहित जमीन वापस करने की मांग भी उठाई गई। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा पूरा वीडियो किस तरह महिलाओं ने तेल और सिंदूर लगाकर पेड़ों की पूजा की, उनको ईश्वर का स्वरूप माना, उसके बाद वहाँ गीत और नृत्य के जरिए अपना विरोध जताया। ये विरोध जताने का अनूठा तरीका था। तो चलिए पहले वो आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद फिर चर्चा करूँगा विस्तार से इस मुद्दे की। आपने देखे वो वीडियो, अब आपको पता ही है मैं लगातार आपको अपडेट देता रहा हूँ कि जो डोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन अधिग्रहित की गई है उसकी वापसी की मांग में असम मजदूरी श्रमिक यूनियन बीते कुछ दिनों से लगातार आंदोलन की राह पर है और इसी मांग को सामने रखकर यूनियन के जो महिला सदस्याएँ हैं उन्होंने अधिग्रहित जमीन में जो छायादार पेड़ हैं अधिग्रहित जमीन पर उनको तेल और सिंदूर लगाकर पूजा की और वहाँ नृत्य और गीत गाया।
आपको मैंने पहले ही बताया कि ये योजना पहले ही थी 9 नवंबर से, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के कारण, बदली हुई परिस्थितियों के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। अब उसे इस हफ्ते नए सिरे से आयोजित किया गया है और बुधवार को बागान में साप्ताहिक अवकाश का दिन था। उसी दिन तमाम मजदूर वहां जुटे और उन पेड़ों पर तेल और सिंदूर लगाया, वहां झूमर नृत्य का आयोजन किया और गीत गाए। यूनियन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 2500 बीघे जमीन जो अधिग्रहित की गई है उसे वापस देने की मांग में ही यह कार्यक्रम किया गया है, ताकि सरकार की कुंभकर्णी नींद खुल सके, टूट सके। और बयान में कहा गया है कि जमीन के अधिग्रहण के बाद ही मजदूरों में आशंका है, उनकी नौकरी जा सकती है, उनसे रोजगार छीन सकता है और जो अस्थाई मजदूर हैं उनको लंबे समय से काम नहीं मिल रहा है। और अब जाड़ों का मौसम शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे जो अस्थाई महिला मजदूर हैं उनके रोजगार के मौके भी घट रहे हैं। और जो चाय बागान पे अधिग्रहित जमीन थी वहाँ से चाय के पौधे उखाड़ दिए गए थे और उनसे जिनको काम मिल रहा था पहले पूरा, उनको पूरा काम नहीं मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, नुकसान की मजदूरी कम हो जा रही है। चाय बागान में आप जानते हैं दैनिक मजदूरी का प्रावधान है, यानी जितने दिन काम करेंगे मजदूर उतने दिनों की ही मजदूरी मिलेगी। इससे मजदूरों में चिंता है कि आखिर उनका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। एक बार फिर जो पहली बार देख रहे हो उनके लिए मैं संक्षेप में बता दूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल बीते मार्च में राज्य सरकार ने तय किया कि सिलचर में एक और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए कई जगह देखी गई, लेकिन आखिर में हरे भरे मुनाफा कमाने वाले डोलू चाय बागान को ही चिन्हित किया गया और उसकी 2500 बीघे जमीन के अधिग्रहण की बात कही गई। लेकिन मजदूरों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उसके बाद दो दो बार जन सुनवाई हुई, उसमें मजदूरों ने अपना पक्ष रखा। मजदूरों का कहना था कि एयरपोर्ट अगर बनाना ही है तो हरे भरे बागान को उजाड़े बिना बगल में जो बंद पड़ा है बागान या बंजर जमीन है वहां भी बनाया जा सकता है। लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और रातों रात धारा 144 लागू कर सैकड़ों जेसीबी भिड़ा दिए गए इस काम में और जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया। उसके बाद उस जमीन में लगे करीब 30 लाख चाय के पौधे भी उखाड़ दिए गए। उसके बाद आंदोलन चलता रहा। उस बीच सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मिली कि केंद्र सरकार ने ऐसी किसी परियोजना को मंजूरी ही नहीं दी है। उसके बाद भी प्रशासन साम दाम दंड भेद का तरीका अपनाता रहा। यूनियन के नेताओं को बेवजह पूछताछ के नाम पर थाने बुलाकर घंटों बिठाए रखा गया और धमकियां भी दी गई कि अगर आंदोलन करेंगे तो इसका नतीजा बुरा होगा। यहां और एक बात बता दूं कि जिला प्रशासन ने चाय बागान प्रबंधन और तीन प्रमुख यूनियनों जिसमें C2 इंटेक और BMS है उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और उसमें कहा गया था कि जमीन के एवज में बागान प्रबंधन को 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसमें कहा गया किसी भी मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन मजदूरों को आशंका है कि इससे 2000 से ज़्यादा मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं, उनको काम नहीं मिल सकता है। तो उसके बाद अचानक एक दिन लॉकआउट भी कर दिया गया। चाय बागान प्रबंधन की दलील थी कि मजदूर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो लॉकआउट कर दिया गया, लेकिन वह सब चलता रहा। इस बीच बाढ़ आ गई। बाढ़ के बाद भयावह बाढ़ थी, महीनों स्थगित रहा सब कुछ। उसके बाद पिछले महीने से असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले मजदूर एक बार फिर लामबंद हो रहे हैं। उन्होंने कई मांगे उठाई हैं, इसमें कहा गया है कि अधिग्रहित जमीन वापस की जाए, मजदूर कोऑपरेटिव के जरिए वहां चाय की खेती करेंगे। लेकिन दूसरी ओर पता चला कि 70 हेक्टेयर जमीन और चाहिए रनवे के लिए वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इसी मुद्दे पर मजदूर एकजुट हो रहे थे, जगह जगह धरने विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। 9 से 11 नवंबर तक आंदोलन की रूपरेखा बनी थी, जिसमें 9 तारीख को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन तय हुआ था, 10 को डोलू बागान इलाके में बंद तय हुआ था। लेकिन प्रशासन के चौतरफा दबाव और यूनियन के नेता धारित्री शर्मा की गिरफ्तारी के कारण वो सब स्थगित करना पड़ा। अब वही
स्थगित कार्यक्रम दोबारा एक बार शुरू किया जा रहा है और यूनियन का आरोप है कि प्रशासन चौतरफा दबाव डाल रहा है, आंदोलन नहीं करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और साथ ही यूनियन को बदनाम करने की कोशिशें भी हो रही है। कहा जा रहा है कि मान्यता प्राप्त नहीं है यह यूनियन और मजदूरों को जबरन बरगला रही है। यही सब चल रहा है, लेकिन बुधवार को महिला मजदूरों ने जो किया ये बेहद अनूठा था, आपने पूरा वीडियो भी देखा है। अब आगे क्या होता है, फिलहाल धरित्री शर्मा को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के कानूनी कदम भी उठाए जा रहे हैं और देर सवेर छूट ही जाएंगे। यूनियन का आरोप है कि उन पर जो आरोप लगाया गया है माओवादियों से संबंध रखने का, वो निराधार है, झूठा है, तो देर सवेर अदालत से उनको न्याय पाने की उम्मीद है। अब आगे क्या होता है यह भी जब जब आएगा सामने मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। और एक अनुरोध, जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें।